सो भाई ये हमारे दोस्त के शौक हैं, हमारे आमिर भाई के, ये देख ले, ये देख ले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे चाहने वालों, जानी मैं आप लोगों से लव यू कहता हूँ। आज का दिन बहुत अच्छा दिन गुजरेगा, आई होप सो कि अच्छा दिन गुजरे। शुरुआत तो सुबह से अच्छी नहीं हुई, क्योंकि जैसे ही नहाने गया पानी ठंडा, गैस बंद, ये उठा हूँ सुबह से, 5 मिनट के लिए लाइट आई, फिर गई, फिर दोबारा लाइट आई, अभी UPS पे लाइट चल रही है। सो ये तो कहते हैं ना कि लाइट बंद, पानी बंद, पर फिर भी जीवे पाकिस्तान। लाइफ यही है यार, खुदाई का जीना इसी का नाम है। ऐसी ठंडे पानी में निकल रहे नहा के, ये सब चीज़ें करना, फलां चीज़ें करना, लाइफ यही है। सो इस लाइफ के साथ ही गुजरते हुए अब आज का दिन भी मैं ऐसे सफ़र स्टार्ट करने वाला हूँ, किसी एक ख़ास दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। क्या कहता है यार, आवाज़ बैठी हुई है मेरी यार, क्या करें। काफ़ी पहले, काफ़ी जब मैंने अपनी मीडिया की फील्ड में मैंने जब मैंने स्टार्टिंग की थी, उसने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया, काफ़ी सपोर्ट किया। उनमें ना कुछ ऐसे बंदे थे जिनमें से ये भी एक बंदा था। यहाँ पर हैदराबाद में अगर मैं कहूँ तो दो तीन ही हैं, या दो तीन भी नहीं कहूँगा, सिर्फ दो ही हैं जिनका वीडियो प्रोडक्शन हाउस है। आज उनमें से एक से मैं मिलने जा रहा हूँ, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है आमिर शेख। सो भाई फाइनली आ गया मैं अपने दोस्त के प्रोडक्शन हाउस पे, 99 मेगापिक्सल। अब अंदर चलते हैं, सेट से मिलते हैं, सेट मिलते हैं या नहीं मिलते, अंदर हैं या नहीं है। गाड़ी तो मुझे टिप नहीं रही है, गाड़ी कहाँ है पूछें। चश्मा चेंज करो, नज़र नहीं आता भाई। बोला हूँ 50 बटाने यहाँ पर, बोलता है कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई, खैरियत है। हमारा सेट, सेट कहाँ है, सेट नहीं है, चल आने दे, आने दे। सो भाई ये हमारे दोस्त के शौक हैं, हमारे आमिर भाई के, ये देख ले, ये देख ले। वेल ये इन अपना अपना शौक होता भाई, मुझे कैट्स पालने का शौक था, इनको ये शौक है। क्या तेरा नाम भूल गया, तू भी बता बता दे। रमजान, रमजान, अच्छा भाई ये रमजान भाई है। अच्छा भाई पहचान गए, नहीं तो अंदर भी नहीं आने देते मुझे। दरवाज़ा खोलने दे, उस्ताद आने दे, उसे मिलते हैं, आ जाए, सेफ है, गाड़ी से कब उतरेगा मिलने। काफ़ी टाइम के बाद मुलाकात हो रही है, फेसबुक या व्हाट्सएप वगैरह पे मुलाकात होती है। बेल बजिए, बेल बजिए, मालिक आगे मालिक, मालिक मालिक आगे मालिक। हमारे आमिर भाई, आमिर शेख साहब, 99 मेगापिक्सल के ऑनर, हमारे दोस्त यार, ये हमने टुकड़ा फुटका लेके आए हैं और कुछ नहीं। सर ये हमारे आमिर भाई, आमिर शेख साहब, हजरत आमिर साहब, ये उनके ऑफिस 99 मेगापिक्सल में हम एंटर हो गए हैं। ये सेट साहब की सीट, सर हम बैठ जाएंगे, कोई इशू नहीं है। आमिर भाई अपनी सीट मुझे देके गए हैं, अब सोचो कि मैं प्रोडक्शन हाउस का क्या हाल करूँगा, कितनी बेकार चीज़ें बनाऊँगा, क्या क्या होगा। वेल मैंने पहले कहा था, बहुत डाउन टू अर्थ है, ग्रेट बंदा है, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं इसकी जितनी तारीफ करूँ वो कम है। मज़े की चीज़ें होती हैं, मज़े का साथ होता है, जब भी बैठते हैं टाइम ऐसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। वैसे मैंने इसके साथ प्लान था नाश्ता करने का, नाश्ता तो अब टाइम तो गुजर गया है, अब खाना ही खाना होगा। सेट की चेयर पे बैठ के कैसा लगता है, कितने नहीं सेट वही है भाई, हमारा बॉस है। ये खुदाई कसम के देख सकते रखी हुई क्या है, खजूरें, सारा दिन खजूरें खाता रहता है।
खुद भी खाता है, डिटॉक्स वाटर, तीन साल से जिम कर रहा है, अभी तक इसका वजन कम नहीं हुआ, जिसके इसका यह हालत है। चलो जब तक सेठ है, सेठ साहब ये हैं आमिर शेख साहब, हमारे दोस्त यार, मैंने दोस्त यार भाई जितनी बात करूं वो हमारे लिए बहुत ही कम है। कैसे सर रहते हैं, क्या तेरा नाम भूल गया? हसन हसन हसन। तो भाई अंडों के बेदे बना सकता है? अंडों के बेदे नहीं, बेदे बेदों का, वो अंडों के बेदे भी होता है। अबे अंडे और बेदे तो एक ही होते हैं। सर अभी हम आते हैं, हमारे सेट ने हमें लेके चल रहे हैं किसी एक जगह पे, सरप्राइजिंग जगह है, पर आप लोगों को दिखानी भी नहीं है, बस जाना है हमें। हाँ अब ये खुश मत हो जाना कि हर चीज़ मैं दिखाता रहूँगा, बताता रहूँगा, ऐसा नहीं होने वाला। नहीं हम ऐसा भी कहीं नहीं जा रहे जिसको नहीं दिखा सकते, लेकिन दिखाना लाजमी भी नहीं है। दिखाना हाँ लाजमी भी नहीं है, और वैसी कैसी जगह पे जाता है तो भूल के भी नहीं दिखाता ना, मैं तो रिकॉर्डिंग मैं किसी ऐसी जगह पे जाता भी नहीं हूँ, ये खाली सलमान भाई है। नहीं सलमान भी नहीं जाता, सॉरी नहीं जाता नहीं तो सलमान मतलब तुम तो डॉलर वाले लोग हो ना यार, तुम्हें क्या घबराना तो हमें चाहिए। दूर दूर तक एक डॉलर मुश्किल से नजर आता है। अब मैं क्या किसका नाम गाली लेके लूं, अपलोड होगी इस वजह से। तो सर आप देख सकते हैं ये अशब भाई हम आपके लिए मना रहे हैं, और मतलब आप धर्म वाले लोग हैं, आप तो नहीं घबराएंगे, लेकिन सच में हम घबरा गए। आपके पास धर्म है क्योंकि आपके कर्म ऐसे हैं, हमारे कर्म ऐसे नहीं है। मैं भी ये फ्लिप कैमरा कर रहा हूँ, ये आपको रोड दिखाता हूँ, अगर सही आपको नजर आएगा। ये हम दोबारा बलूचिस्तान और खुशदार के इलाके में आ चुके हैं, और ये सारे मजे हमें मिल रहे हैं यहीं पर। ये देखो ऊंट, या आप ऊंट की सवारी देखो, ये देखें आप ऊंट की सवारी। ये मेन ऑटोबान रोड की एंट्रेंस है, तो ये जाहिद जदून साहब के लिए भी है कि जाहिद भाई घबराना नहीं है, और काशिफ भाई को भी मैं कहूँगा यार, काशिफ भाई बगैर मुफाद के लगे हुए ना, मतलब बाकी लोगों को तो मैं समझ सकता हूँ कि कोई पॉलिसी का हिस्सा हो सकते हैं। सलमान काशिफ शेख कहता है घबराना नहीं है ना, तो घबराना नहीं है। हाँ जब तक वो है तब तक बस वो ही है, उससे घबराओ बाकी किसी से मत घबराना। सर ओवर टू यू। सही अब मैं इन रोड्स वगैरह की बात तो करते रहेंगे, पर मैं आपको जैसे स्पेशली मैं आमिर से मिलवाने आया था, और आमिर भाई हमारे लिए ऐसे हैं, मैंने स्टार्टिंग में जैसे बताया था कि जब मैंने स्टार्टिंग की थी, मैंने बिगनिंग किया था इस काम में, तो उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने मुझे हेल्प आउट किया था, मुझे अप्रिशिएट किया था, मेरा सपोर्ट किया था, उनमें ये बंदा भी है। मैं ये कहूँगा जब मैंने 3D स्टार्ट किया था, तो पहला 3D एनिमेशन इससे बनवाया था, एक लोगो एनिमेट कराना था सरकारी, मैंने पहला लोगो इससे करवाया था, और मतलब हम सोच भी नहीं सकते थे 3D बन जाता, और इसने मुझे रोटेट करा के दिया। तो मैंने 3D की स्टार्ट इससे ली, इवन जो इसने मेहनत की, क्रेजी 4 इसने बनाया, मतलब क्या इसने मेहनत की थी उसमें, मतलब दिन रात पैसे और एफर्ट्स, और मतलब इसने क्या क्या नहीं लगाया ना। तो भाई बता, हमारा गुरु तो यही है, ये फजूल में क्रेडिट देता है, ये गुरु हमारा उस्ताद खुदा की कसम है, कसम खा के बोल रहा हूं, ये उस्ताद है अंतम शाह बुखारी वाला। शानदार किस्म के कपड़े सीते हम लोग, नहीं सिलाई बिल्कुल सीधी होती है, इतना शानदार काम है हमारा ये। हमारे यहाँ पर ये पुराना घर, ये पीछे देख सकते हो, ये मैं देखा देता हूँ, ये पुराना हमारा यहाँ पता, हम सारे जो निकले हुए यहीं से निकले हुए हैं, ये बड़ा मशहूर गिद्धू हॉस्पिटल है, हम वहीं से गुजर रहे हैं, तो हम सारे यहीं भाई निकले हुए हैं, तो हम पुरानी यादें ताजा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। घबराना नहीं है। आज का टॉपिक है घबराना नहीं है। हाँ अब यहाँ पर मैं शायद कट करता हूँ, हम पहुँच गए हैं, फिर उसके बाद ऑफिस में या कहीं पर भी बैठ के हम गप्पे शप्पे और बातें करते हैं। सी यू ऑन नेक्स्ट शॉट। एक जगह से गए थे, काम उसका था,
सरप्राइज में हो गया। मैं वही बता रहा था कि काम भाई का था, सरप्राइज मुझे मिल गया। हाँ 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 हाँ, ये वाकई सरप्राइज मिला यार जो तूने कहा था, ये हकीकत है, वाकई तेरे को सरप्राइज मिला था। चलो ये भी एक जिंदगी है भाई, जब हमारे पास कोई काम नहीं आता तो हम ये वेड़ू कुकर है उसे हमें बुढ़ाते हैं, फटे फटे करवाते हैं। ये देख, ये वेड़ू, ये दे, ये, ये, अबे ये, ऐसे नहीं कर, मेरे को ठूंगा नहीं मारे, नहीं मारेगा, नहीं मारेगा, ये दे, बहुत समझदार है ये, मैं कैसे आए थे भगवान को कभी नहीं मारता। ये भाई के शौक है, ये इसकी हिस्ट्री बता भाई। यार ये मुर्गा वैसे ये हिस्ट्री कोई नहीं है भाई, मजाक में ले लिया था। खाने का सेटअप अभी लगने वाला है, यहाँ पर बैठे हुए हूँ। ऊपर कौन कौन आ दिया है, नुमान होगा? हाँ सब यहाँ खाने के बाद चलते हैं। हाँ हाँ, फिर खाना खाने के बाद हम ऊपर चलते हैं, फिर थुकलाना करते हैं, पर उसमें मेरी वाली वो वाली ज़बान नहीं होगी मैं जो अभी ऊपर चलाऊंगा इनके साथ, तमीज़ वाली बात होगी हमारी, तमीज़ वाली बात होगी। फ़ोन पे लगा हुआ है, खाना भी खा रहा है और फ़ोन पे भी लगा हुआ है, इसकी यही काम है। तो दोस्तों, मैंने पहले भी जैसे मैंने बताया कि शायद उसमें आवाज़ ब्रेक हो रही हो या कुछ भी, पर फिर मैं दोबारा कर रहा हूँ, ये सेट साहब मैंने दिल से कह रहा हूँ, डाउन टू अर्थ बंदा है, कसम से ये, बस इसके लिए मेरे पास कोई ऐसे लफ्ज नहीं है। भाइयों की तरह हर टाइम लेट नाइट तक, मतलब जब भी कभी भी सुबह शाम रात किसी भी वक्त मैंने इसको मैंने फ़ोन किया, मुझे जिसका फोन खराब है जो सारा दिन बजता रहता है। आमिर भाई से रिक्वेस्ट की जाती है कि आमिर भाई अब अपना ऑफिस वगैरह हमें दिखाएंगे। तो सर ये रिक्वेस्ट नहीं है, आपका ऑफिस है, ये कोई अपना ऑफिस नहीं है, आपका ऑफिस है। चलो भाई ऑफिस भी टिपते हैं अपन। सर ये आपका मीटिंग रूम, मतलब पर्सनल रूम कह लें, पर्सनल रूम। अब देख पर्सनल रूम पे मेरा ध्यान कहीं और ज्यादा चला जाता है, इसलिए पर्सनल रूम पे मत बोल। नहीं मतलब पर्सनल रूम में इसमें जो बंदा बैठता है काशी शेख, मतलब वो पर्सनल आदमी है ही ना। हाँ जी, वो पक्का पटाया आदमी है। तो सर ऊपर चलते हैं। चल सर, हम ये सीढ़ियाँ जो जा रही हैं ऊपर, और यही सीढ़ियाँ नीचे भी आती हैं जी सर। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अब हम जा रहे हैं, ये सामने पहला रूम है, इसको लिखाऊंगा वे टू सक्सेस। ये रूम है, ये 3D, ये हमारे पास रूम है जो आर्किटेक्चर वॉक थ्रूज बनाते हैं। अभी आए नहीं रखे। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, क्या हाल है सर? ये जुबैर, आप अपना बता दें, मुझे नाम पता है। मैं मोहम्मद जुबैर, मैं 3D विजुलाइजर हूं। हां आपका पेज भी सर मैं फॉलो करता हूं, आप कुछ बता दें। पेज बस आप भी इसी तरह काम करते रहे। नहीं नहीं, आप अपने पेज का तो नाम बता दें। मेरा पेज है सॉफ्टबस के नाम से यूट्यूब पे, उसको लाइक करें। सर ये हमारे शाहिद अली है, शाहिद अली डेवलपर है जी। सर वेब डेवलपर हूँ मैं, और टेक्निकल एक्सपीरियंस भी है सर्वर साइड और क्लाउड प्लेटफॉर्म्स, और अभी मैं इंशाल्लाह सर की टीम ज्वाइन करने वाला हूँ। बहुत मज़ा आएगा, बहुत सेटअप अच्छा लगा यहाँ पे। तेरे पे एक सहन शक्ति कहते हैं, वो है सहन शक्ति, मतलब बिल्कुल सिंधी में जो बर्दाश्त थी ना, मॉडलर के तौर पर काम करता हूँ। सर क्या बात है, सर क्या बात है। चौथा का गायब है, ये है हमारा, मैं जितनी गालियां दूंगा वो कम है इसके लिए। हाँ ये वो है, ये भाईजान क्या हाल है सर? खैरियत सर। खैरियत है जी जी। ठीक है, अब सर आप अपने बारे में कुछ बताएंगे। सर मेरा नाम अजीम है और मैं 99 में कैमरामैन हूँ। बस तू कैमरामैन है, तूने क्या क्या बनाया हुआ तुझे अंदाज़ा है? तूने सबसे पहले मुझे बनाया,
तूने सबसे पहले मुझे बनाया, घुमाया फिराया, पर नो डाउट यार इसका काम बहुत ही क्लासी है। ये हमारा सेटअप आप देख रहे हैं यहाँ पर, और ये हम काम कर रहे हैं शम्स आइकन के नाम से एक प्रोजेक्ट आ रहा है, अभी हम उस पर काम कर रहे हैं। और ये है और हमारा सेटअप पे ये रेंडर फॉर्म्स हैं हमारे पास, और ये उनका बैकअप है। बैकअप रेंडर फॉर्म को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये इसका लकड़ी पैनल है, सोलर पैनल है, सर ये आपने अभी 3D का देख लिया, 3D और वीडियो का यहाँ पर पूरा सेटअप होता है। अब आगे चलते हैं दूसरे हराम सोशल मीडिया। हाँ हमारे दोस्त के साथ, अब मैं मुझे यार कुछ ना कुछ निकल जाता यार। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, ये हमने छापा मारा है सलमान भाई ने, ये सब यहाँ पर भाईजान बैठे हुए हैं, सब लोग यहाँ पर देख सकते हैं, छुप छुप के खा रहे, पूछा तक नहीं है भाई, मतलब भाई ने पूछा भी नहीं है ना, बाजी ने पूछा हमसे। और राजन ए सर आ जाए, गाजर वाजर है नहीं, गाजर है, तू चावल नहीं खा, गाजर खा, नहीं अभी तो गाजर, इसके लिए मैं गाजर लाता हूँ हमेशा, आज नहीं लाया, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम अभी मंगवाते हैं भाई। भाई इसकी तरफ ये देखो, ये हमारे नुमान भाई है, नई शादी हुई है, नई नई शादी हुई है, और कुछ दिनों के बाद कुछ सालों में ये हालत देख रहे हो, एक हाँ, 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 और एक पीछे वाले बताएगी उसके हालत देख लो कि होने वाली है, बस ये भी देखिए अभी कितनी मुस्कुराहट। हाँ सर नुमान पहले वो देखो तो डिटॉक्स वाटर पीने, ये वाली डाइट, चावल नहीं खाने, और अभी भाई को देखो टटा के लगे हैं, अब ठूस करके बैठा भाई, ये देखो चलो भाई आप खाना खाओ, सलमान जी को पता नहीं है जो बाजी है साहब, जी ये ऐसा चाइल्ड स्टार आया करती थी, घूम फिर किसने काम किया बाजी ने, अच्छा बाजी है ना, कौन सा प्रोग्राम था आपका? तो एक दफा बस होस्टिंग की थी, जस्ट एक दफा। कौन सा प्रोग्राम है? आई थिंक 14 अगस्त का था, लाइक आई वाज अ कंपेयरर थी, मैं जस्ट मैंने एक दफा ही किया, लाइक जस्ट शॉर्ट में और कुछ नहीं। अच्छा मधु भी आप छोटी होती थी, सच में छोटी थी, अभी भी छोटी। सो भाई ऊपर से हम नीचे आए हैं, आते ही मैंने समझा कि ये मोटरसाइकिल इनकी अपनी है और हमें मिलने वाली है, एक मैं लेके जाऊंगा, पर नहीं सर मालिक, सॉरी सर आप बताएं कि इसके सलमान की बाइक फोटोग्राफी के लिए आई हुई है, बाइक की फोटोग्राफी तेरे को पता है हमारी मतलब स्पेशलिटी है सर, असाए बेहू को धंधा है ना सर, ये हमारे साथ आमिर राव साहब हैं, जिन जितनी मैं तारीफ करूं उतनी ज्यादा है। ओ, क्या बात यार, लव यू सर, लव यू, क्या बात, अबे मैं गलती से क्या बात है, क्या बात है, आमिर शेख, आमिर राव ये हमारे बहुत पुराने यार हैं, ये 99 मेगापिक्सल के क्या बोलते हैं, जो भी समझ जो भी क्या अपनी बताना, डेजिग्नेशन यार, डेजिग्नेशन मार्केटिंग हेड, ये लव यू सर, दोस्तों को ऊपर ऑफिस दिखा के आ रहा हूं, दिखाए सर, आ जाए सर, आ जाए, बाइक से अकेडमी है, सो अब मैं ऊपर जा रहा हूँ फिर थुक बुझा करने के लिए लोगों को, मेरे वहाँ पर दो तीन दोस्त ऊपर बैठे हैं जिनसे मैं नहीं मिल पाया हूँ, अब उनके पास जा रहा हूँ गालियाँ देने के लिए, पर सोच रहा हूँ किसको दूँ। सो सर एक हमारे पास अभी एक बंदा है वो छुप के फिर रहा है, अब उसको मुझे पकड़ना है और वो मुझे मिल चुका है, वो रहा ये रहा ये रहा ये हराम खोर, जब भी मैं उसको मैसेज करता हूँ मुझे जवाब नहीं देता, आज मैं यहाँ पर मिला है सर। भाईजान सबको अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो सर, ठीक ठाक हैं सर, दोबारा अस्सलाम वालेकुम सर, अस्सलाम वालेकुम, बहुत अस्सलाम वालेकुम, अजीम साहब खुशी तो खैरियत है, तो और जानी क्या हाल है, और टोपी तूने VIP टोपी मेरे को करवाई है, सब खैरियत है सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस पर? यहाँ पर बहुत अच्छे लग रहे हैं, मैं वैसे ही अच्छा लगता हूँ, तू अपनी बात कर, तबीयत बहुत खराब है आज, तेरी तबीयत मेरे टाइम पे ही क्यों खराब होती है सर, पता नहीं, नहीं सर ये इनका मैंने काम अभी देखा, ये जो मोबाइल निकालते हैं ना इसे छप छप करके अंतम शाबुखारी वाला काम किया है इन्होंने, इसके आप जो पेज है या फेसबुक हो या व्हाट्सएप वगैरह कुछ बता दो ताकि मैं ब्लॉग पे लगाऊं, तो सर प्रोफेशनल वॉइस है हमारा पेज, प्रोफेशनल वॉइस बॉयज प्रोफेशनल बॉयज, भाई आप लोगों ये देख सके ये थोड़ा नजर आएगा सर, आई लव यू टू
बोलना था बोल दिया। ये है हमारे, नाम बता बे। दानियाल। दानियाल, दानियाल है भाई जान। ये सुबह से मुझे टॉपिक करवा रहा है, अभी काम तक कर रहा हूं। मैं मेरा काम अभी तक नहीं किया, दूसरों का काम करता जा रहा है। ये देख करो, आपका काम भी कर तो उसको नहीं थमारा। ये भी तो ग्राफिक डिजाइनर है, वो फ्री हो जाए मैं इसको दे देता हूँ। ये भाई क्या बना रहा है बता बे, क्या बना रहा है? व्लॉग प्लान, व्लॉग बना रहा हूँ, व्लॉग तो मैं बना रहा हूँ। नहीं हाँ तेरे पे हंस रहा देख, अब ये देख हंस रहा है। कौन कौन ये देख? सन बताओ क्या कर रहे हो आप, बताओ। ये वाला तो मैं अभी कर रहा हूँ लोगों का। सो सर, मेरे यहाँ पर आते ही मुझे ये फ़ायदा होता है और कुछ नहीं, पैसा ही पैसा मिलता है, पैसा ही पैसा। ये देखो पैसा ही पैसा मुझे मिला है, ये भी है, ये पैसा ही पैसा। नहीं 10-20 को मैं पूछता नहीं हूँ, पैसा ही पैसा है। अबे तवाई तेरे पैसे ये ले। सो भाई ये था हमारा 99 मेगा पिक्सल, हम यहाँ पर मिल लिए। और आज तो पता नहीं क्यों मुझे शराफत से बोलना पड़ा, क्योंकि हर जगह मुझे लेडीज़ मिल गई, मैं इसलिए थोड़ा हेजिटेट फील करके बात कर रहा हूँ। आज का दिन यहाँ पर आमिर भाई के साथ ख़त्म हुआ। चल रहा है जिम, चल रहा है जिम। मैं अपनी ज़िंदगी में जिम तक नहीं गया यहाँ पर। तू चल रहा, चल रहा। नहीं मुझे, मैंने गया था जिम, वहाँ पर मुझे नौकरी दी थी साफ करने की। चल ना एक मिनट, चार्ट आ रही है, चार्ट आ रही है, चार्ट चार्ट लो तू का। हमें देख भाई, ये खुद फिट हो रहा है और हमें अनफिट कर रहा है, ये देख रहा है। नहीं नहीं तू फिट है। अबे ढीली शर्ट पहनी है, तू इससे मुझे लग रहा है। अबे ढीली शर्ट पहनी है इसलिए वजह से, और कुछ नहीं है। आपकी तरफ वीडियो कर दूं? नहीं सर, क्या डालेंगे, कहां पे डालेंगे, आप में बहुत मासी लगी इससे। अब तैयार हो जाएंगे फिर डालेंगे। मेरे साथ एक फेमस हैदराबाद की मासी है। किसी को हायर करना हो तो आप मुझे बुला सकते हैं, मैं काम नहीं करूंगी और यस पैसे लूंगी, बिल्कुल पैसे ज्यादा। ठीक है, ऐसा मत बोलो, लोग कुछ और समझेंगे। हाँ नहीं सॉरी, वाकई सॉरी, आई एम नॉट बाय। यार मुश्किल काम है कैमरे के आगे बोलना, तू जो बोल सकता है तू ही बोल, बस तू बोलना। मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, ये बहुत अच्छा इंसान है। थैंक यू, ये वाकई में बहुत अच्छा इंसान है, खुदा की कसम खा के बोलता हूँ, वाकई में दिल से मैं कह रहा हूँ। मैं जब छोटा था इससे काम सीखता था, सलमान हाइट में, सलमान हाइट तो सही है, बाकी मतलब छोटा था हाइट में, वैसे बाकी सलमान छोटा है हमसे, सलमान छोटा है लेकिन सलमान मतलब सलमान ग्रेट बंदा है। मैं मेरी 6'2", मैं जब डायरेक्शन नहीं करता था, 6'1" होगी मेरी, इसकी 6 होगी। हाँ मैं जब डायरेक्शन नहीं करता था, ये जब से डायरेक्टर है, मैं सिर्फ फाइटर हूँ। आपकी साढ़े तीन। सो आमिर भाई के साथ बहुत गपशप हुई, मज़े आए, फिर नेक्स्ट टाइम अब देखते हैं कि कब मिल रहे हैं, पर मिलते रहेंगे। तो आज का व्लॉग यहाँ पर ख़त्म करते हैं, अल्लाह हाफिज़, पंजे पान में ख्याल रखिए।